हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। रामशरण। हाँ शेर जी। ऐसा करिए, मेरे रंजीत मैनेजर को मेरे पास बुलाइए। मैनेजर बाबू के यहाँ पर बुलाएं। जितनी जल्दी हो सके। ठीक है, बुला लेते हैं। मेरे पास बुलाइए। ओ मैनेजर बाबू। हाँ आप तत्काल यहाँ पर आ जाएं। शेर जी आपका इंतजार कर रहे हैं। नमस्ते सेठ जी। नमस्ते नमस्ते। कहिए किस लिए बुलाए? देखिए रंजीत, मैं घीनपुर में एक लड़का देखा हूँ। मैं सोच रहा था कि तुम भी चल के मेरे साथ में वो लड़का पास करके आओ। मतलब ये कि घीनपुर में एक लड़का है? हाँ। उसे आपने देखा है? मैं देख चुका हूँ। मैं तुम्हें लिवा के जा रहा हूँ इसलिए कि तुम उस लड़के को पास करो। ठीक है, तो देर काहे बात की। चलिए हम इसी वक्त चलने के लिए तैयार हैं। चलिए ठीक है। हम भी चलें क्या? नहीं तुम नहीं जाओगे। देखिए रामशरण, मैं जा रहा हूँ। तुम यहाँ का देख रेख करना, हम दोनों जा रहे हैं। ठीक है, हम जा रहे हैं, घर का काम देखेंगे। ठीक है, आप सब जाएं। चलें? हाँ चलो। चलिए रंजीत, ये तूने क्या किया मेरे साथ? इतना बड़ा धोखा मेरे साथ, मैं कभी सोचा नहीं था। कौन सा जन्म का मुझसे बदला लिया तूने? ये बता, ये सब करके तू क्या पाएगा? या मालिक, मर गया सारा। मैं जिस काम के लिए इंडिया पहुंचा हूं, मुझे कामयाबी जरूर मिलेगी। अब इस वक्त चलता हूं कंचरा के पास। मेरे बाबू को न जाने किसने गोली मार दिया। कौन हो सकता है जो मेरे पिताजी को गोली मार सकता है? बाबू जी, देखिए। अरे रंजीत सिंह, वाकई रंजीत सिंह, देखिए बाबू जी। बाबू, न जाने किसने मेरे बाबूजी को गोली मार दिया। मैनेजर साहब, ये देखो, कौन हो सकता है जो मेरे बाप को गोली मार सकता है? मेरे बाबूजी से तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। ये भगवान, मैं क्या करूं, मेरे कुछ समझ में। तेरे सिवा यहाँ पर कोई नहीं है और तेरे हाथ में पिस्टल है, तू ही मार सकता है, और कौन मारा होगा? मेरी बात को सुन। मार कर बाप को अपने, तू बेहया, मार कर बाप को
कुछ न खाया शर्म जी में आता कि तेरा अब गला दाब दूं एक मिनट में कर दूं मैं किस्सा खत्म। क्या बे मुझे बेवकूफ समझता है? अरे नहीं नहीं मैनेजर साहब, तेरे सिवाय यहाँ पर कोई नहीं है, तेरे अलावा कोई नहीं गोली मार सकता, इसलिए कि पिस्तौल तेरे हाथ में। अरे भाई भला मैं, कोई बेटा अपने बाप को क्यों भला मारेगा? मैंने नहीं मारा है। फिर किसने मारा है? मैं कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं मेरी जानता। बातों का यकीन करिए मैनेजर साहब कि मैंने नहीं मारा। राम शरण। माँ माँ देखो तो सही, ये मैनेजर साहब मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं कि मैंने अपने बाप को मार डाला। कुछ नहीं सुनना चाहता। क्यों रे हराम खोर गौतम, अरे मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तू मेरे पति को मार डाला? स्वामी नहीं माँ नहीं, मैंने बाबूजी का खून नहीं किया है, मेरी बात का यकीन करो माँ, यकीन करो। क्या कह रहा है तू कि मैंने बाबूजी का खून नहीं किया? हरामखोर, मैं तो तेरे हाथ में पिस्तौल देखी, जब तेरे हाथ में पिस्तौल था तो खून भी तू ही किया होगा, और हरामखोर मुझसे तू झूठ बोल रहा है। अरे माँ कैसी बात करती हो, मैं भला क्यों अपने बाबूजी को मारूंगा, ये सबको क्या हो गया है भाई? हराम को बिनिकला पाजी नमक हराम, बिनिकला पाजी नमक हराम, अरे किया है शैतानी का। मार कर अपने पिता को तू ले ना अच्छा किया, क्या बिगाड़ा था इन्होंने जो सुरपुर पठा दिया। अरे क्या बताऊं तुम्हें, मैं आता लूं तेरी जान, जी में आता की लू तेरी जान, अरे किया है शैतानी का काम। अरे तेरा क्या बिगड़ा था तेरे बाप ने, तुझे पाल पोस कर इसने सयाना किया और आज उसे तुमने गोली मार दिया। संजीत के बच्चे, तू मेरा मैनेजर था साले गद्दार, मैं तेरी इज्जत कर रहा था, इस तरफ इसको भी देख रहा हूँ, ये मेरी माँ है, मेरे बापू के गोली से मारा है तू बे, मेरे बापू को। आज समझा हूँ साले तेरी चाल को, मार डालूंगा तुम दोनों का अबे तबा कर गला, जिंदा छोड़ू नहीं साले छोड़ू। सिंह तुम अच्छा काम नहीं कर रहे हो, मैं समझ गया कि अभी तक मैं बर्दाश्त कर रहा था हराम सादे कि ये मेरा मैनेजर है और ये मेरी माँ है गद्दार, लेकिन साले तुम दोनों की चाल समझ में आ गई कि तूने ही मेरे बाप को मारा है और कोई मारने वाला नहीं हो सकता है। अच्छा हाँ, तो मैंने मारा है, कुछ नहीं सुनना चाहता। राम शरण ओ कैद कर लो साले को और ले जाओ कर दो जल्लाद के हवाले, जल्लाद के हवाले कर दो, इसको जान से मार डालो। रणजीत सिंह इसलहा लिया, रणजीत सिंह होश में काम करो। होश में हूँ, मेरे बाप का खून हुआ है और मैंने अपने बाप को नहीं मारा है, मारने वाला कोई और है, या तो तू है साले या तो किसी से मरवा दिया मेरे बाप को। अपने बाप का अंतिम संस्कार मैं करूंगा। अच्छा। और मैं पुलिस तक जाऊंगा, तेरे खिलाफ कार्रवाई करूंगा हरामजादे। देखता हूँ तू पुलिस तक कैसे पहुंचता है,
ले जाओ साले को। लेकिन सबसे पहले इनकी लाश को ले जाओ फुलवारी में। फुलवारी में? हाँ ले जाओ। उन गड़वा दी। हाँ ले जाओ। अरे मोर सेठवा, क्या मालिक? बाबूजी, बाबूजी, चला फुलवारी में कुएं में है। बाबूजी आज मैं बहुत मजबूर हूँ बाबू, बाबू। राम शरण, ले जाओ इसे, कर दो जल्लाद के हवाले। नहीं ऐसा तुम कुछ नहीं करोगे रंजीत सिंह। ऐसा ही होगा। मेरे घर में रहकर साले मेरा नमक खा करके आज पहलवान बन गया है। हाथ में पिस्तौल है, जो चाहे सो कर ले। अच्छा अब मैं समझ गया है तेरी चाल को हरामजादे। राम शरण तुम तो जानते हो यार कि भला मेरी बाप से मेरी क्या दुश्मनी थी। मैं अपने बाबू जी को मारूंगा। अपने बाप का कत्ल करके रुस्तम हिंद बन गया है, है? अरे पहले कहा होता जो कुछ चाहिए था तो आप बाप ने बिगाड़ा क्या था। हम इसे ले जा रहे हैं, खुद मार डालेंगे। बिल्कुल ले जाओ, है? ले जाओ सारे को। चलो ठीक ले चलो, मुझे जा रहा हूँ रंजीत सिंह। मुझे मार देने के बाद ये बात खत्म नहीं हो जाएगी। अच्छा क्या मिलेगा तुम्हें? बात कुछ अरे माँ मैं तुम्हारा बेटा हूँ, ये गद्दार है। ले जाओ घसीट कर, बकवास नहीं सुनना चाहता हूँ। मैं बकवास कर रहा हूँ। और क्या कर रहा है? बकवास? हाँ इसकी ठीक नहीं है। मजा आ गया, मजा आ गया मेरे राजा। अब क्या होना चाहिए? जैसा कि तुमने चाहा वैसा मैंने कर दिया, लेकिन एक बात कहना चाहूंगा। क्या कहना चाहते हो बोलो ना। कहना ये चाहूंगा हाँ कि इनको मारने का इनाम क्या होगा मेरा। अरे मेरे राजा आप इनाम लेना चाहते हैं? जरूर लेना चाहता हूँ। क्या पागल जैसी आप भी बात करते हो। अरे इनाम की क्या जरूरत है, अरे पूरा का पूरा तो तुम्हारा ही है। तो इनाम कहाँ से आ गया? देखो एक बात मैं तुमसे कहूंगा। क्या? मारोगी? हाँ बोलो। देखो इनाम के रूप में हमें मिलना क्या चाहिए? क्या? चंदा। किसी ना किसी बहाने से मेरे कमरे तक उसे भेज दो। क्या कह रहे हो? मैं यही कह रहा हूं कि इनाम के रूप में चंदा को मेरे कमरे तक भेज दो बस। यानी आप इनाम में चंदा से मिलना चाहते हैं? हाँ। ये आप कैसी बात करे? अरे वो अंधी है बेचारी। अरे अंधी है तो क्या हुआ? हाँ बहुत अच्छी लगती है। चलिए ठीक है, अगर आपकी इच्छा है चंदा से मिलने की हाँ तो ठीक है, आप चिंता मत करिए। देखो मेरे राजा क्या है, कभी कदार मन भी बदल लेना चाहिए। बिल्कुल सही कह रही हो। हाँ देखो आप जाइए कमरे में, मैं चंदा को खाना लेकर आपके पास भेज दूंगी। बहुत अच्छी बात है। हाँ मैं इसी बात से चलता हूँ। ठीक है जाइए। मैं चल रही हूँ चंदा के पास। हरामखोर, अपने बाबू को मार डाला, पिताजी क्या बिगाड़ा तुम्हारा? ये बात राम शरण तुम हमसे कर रहे हो कि मेरे बाप ने हमारा क्या बिगाड़ा था जो मैंने अपने बाप को मार डाला?
अरे कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है तू आज मुझसे? भला मैं अपने बाप को क्यों मारूंगा मेरे भाई? ये तो रंजीत मुझे फंसा देना चाहता था। मैं उस वाली की कसम खा के कहता हूँ साथी कि मैंने अपने बाबूजी का खून नहीं किया है मेरे भाई। इतना सीधे साधे मेरे बाबूजी हमारी बहन चंद्रा का और हमारा कितना ख्याल करते थे। बाबूजी का सपना रहा कि चंद्रा की शादी करना है, भला मैं उसे कैसे मिटा सकता हूँ भैया? मैंने बाबूजी को नहीं मारा है मेरे भाई। बस भैया बस, मैं सब समझ रहा हूँ। मारने वाला कोई दूसरा इल्जाम आपके ऊपर लगाया गया है। हाँ। मैं यहाँ पर आपको किस लिए लाया हूँ? किस लिए लाया भाई साहब? मारने के लिए नहीं लाया हूँ, बल्कि हम यहाँ से तुम्हें रिहा करते हैं। इतनी दूर भाग जाओ क्यों दोनों तुम्हारी शक्ल न देखने पाए। यहाँ चले जाओ मेरे भाई। कहाँ जाऊंगा मैं? कहाँ चला जाऊं? अपना घर छोड़कर चला जाऊं? अपनी बहन को छोड़कर चला जाऊं? कहाँ जाऊंगा मैं बताओ मुझे? कहा गया है लिखा परदेश जाने का वतन की याद करना क्या, लिखा परदेश जाने का वतन की याद करना क्या, जहाँ बेदर्द हाकिम है वहाँ फरियाद करना क्या। तेरी किस्मत जहाँ ले जा वहाँ पर चला जा, अगर यहाँ पर रहेगा सुकून से नहीं रह पाएगा और लोग तुमको मार डालेंगे। हाँ, मार तो मैं तुम्हारा नौकर हूँ, वफादार हूँ, वफादार हूँ, वफादारी का सबक सीखा है। ये हाथ है जिससे आपका नमक खाया है। ठीक कहता है तू, मैं ऐसे भाग जाता हूँ, लेकिन चंदा किसके सहारे रहेगी भाई? चंदा बहन की बात छोड़ दो, चंदा मेरी दोनों आंखों से देख नहीं सकती है, मेरे बगैर उसे भी मार दिया जाएगा। मेरी चंदा का कौन होगा जो मेरी बहन का ख्याल रखेगा? क्या करूं मालिक, मेरे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। भैया आराम से रहे, जाने से पहले तुम एक छोटा सा मेरा काम कर देना। ओ क्या काम होगा? मैं ऐसे चला नहीं जाऊंगा, ये रंजीत सिंह मुझे फंसा देगा और मुझे मरवा देगा। मेरी बहन का ख्याल रखना मेरे भाई। चंदा, मेरी चंदा की रेख देख करने वाला कोई नहीं है। माँ भी चाहती है कि चंदा मर जाए और ये गद्दा मेरा दुश्मन बन चुका है। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ मेरे भाई, मेरी चंदा बहन का ख्याल रखना और मैं कुछ नहीं कहना। भैया जिस तरह से चंदा बहन आपकी बहन है, मैं भी अपनी बहन समझता हूँ। चंदा के ऊपर कोई मुसीबत पहली बात तो आने नहीं दूंगा। जो मुसीबत आएगी पहले मुझको आएगी, फिर बाद में चंदा बहन के। भैया जहां तक होगा हिफाजत उसकी मैं करूंगा, अपना ख्याल रखना। मैं यहां से जा रहा हूं। जा, तुम अपना भी ख्याल रखना, हमारी चंदा का भी ख्याल रखना। अब आना, जरूर आना, लेकिन कुछ बन के तब आना। तुम जाओ, बहन का ख्याल रखना, बस जाओ। मैं जा रहा हूं। मालिक अब मैं क्या करूं, घर वापस जा भी नहीं सकता और ऐसी जिंदगी जीने से बेहतर है कि मर जाना चाहिए इंसान को। अपनी अंधी बहन की मदद नहीं कर सकता मैं, क्या करूं? मैं इस वक्त जा रहा हूं चंबल घाटी, अगर जिंदा बच गया तो रंजीत सिंह को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा साले को। अगर मार दिया गया तो कोई बात नहीं,
अब मैं यहाँ से कहीं और नहीं जाऊंगा, चंबल घाटी जाऊंगा। तब तो चारों ही तरफ बंद है दुनिया की गली, अब तो चारों ही तरफ बंद है दुनिया की गली, कि हमसे काबूल हुई जो ये सजा हम कमीली।